सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आज की इस वीडियो में आप लोगों को लेके चलते हैं विंडसर और आप लोगों को दिखाते हैं सेंट क्लेयर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, और साथ के साथ पता करते हैं कि भाई विंडसर में पार्ट टाइम जॉब और अकोमोडेशन का क्या हिसाब किताब है। वहाँ पर किसी बच्चे को पकड़ के सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो नो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बेसिकली यार, जो विंडसर है ना, वो लंदन से अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स दूर है। तो अराउंड दो घंटे लग जाते हैं लंदन से विंडसर जाने में यूजिंग ओंटारियो 401 हाईवे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पहली एक वीडियो में बताया था कि भाई यहाँ कनाडा में हाईवे पे जब ट्रैवल करते हैं तो आसपास कोई ढाबा वगैरह तो आते नहीं, जैसे इंडिया में सुखदेव आ गया, हवेली आ गई या फिर कोई ढाबा, कुछ ना कुछ ज़रूर आता रहता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम खाली रहता है, उजाड़ रहता है, कुछ नहीं दिखता, खेत ही खेत होते हैं। लेकिन जब 401 हाईवे से आप ट्रैवल करते हो तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक ऑन रूट नाम की जगह आती रहती है। तो यहाँ जैसे आप पीछे देख सकते हो, ये एक ऑन रूट है, मैं ऑन रूट पे रुका हूँ। तो इसके अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं फास्ट फूड वाले, जैसे कि A&W हो गया, या फिर टिम हॉर्टन्स वगैरह हो गया, या फिर सबवे वगैरह हो गया। साथ के साथ वॉशरूम होता है, साथ के साथ गैस स्टेशन भी होता है। तो आप अपना जो भी कोई कमी है वो यहाँ पर पूरी कर सकते हो, सोडा वगैरह ले सकते हो, गियर अप वगैरह हो सकते हो। तो अभी हम अंदर चलते हैं, कॉफ़ी वूफ़ी लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं विंडसर। हाँ जी, तो यार कॉफी कॉफी ले ली है, अब आगे निकलते हैं विंडसर की तरफ। तो बेसिकली यार, जो विंडसर है ना, वो यूएस कनाडा के बॉर्डर पे है। और विंडसर के सामने जो यूएस साइड वाली सिटी है वो है डेट्रॉइट। और डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोटिव हब है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऑटोमोटिव कंपनीज वगैरह हैं। और विंडसर के अंदर भी एक कंपनी है क्राइसलर नाम की, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी जॉब्स वगैरह होती हैं। तो अभी विंडसर चलते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, साथ के साथ यूएस कनाडा का बॉर्डर भी दिखाते हैं। हाँ जी, तो यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं विंडसर दो घंटे की ड्राइव के बाद। और हमने जो पहला स्टॉप लिया है वो लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के अंदर। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के पास। तो अब यूनिवर्सिटी पहले इंप्रेशन में तो बहुत ही बड़ी है यार, एरिया वाइज काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई है। और यहाँ पर पास में ही US का बॉर्डर है और उसके बाद डेट्रॉइट सिटी है, मतलब बीच में डेट्रॉइट रिवर फ्लो कर रही है। तो एक बार यूनिवर्सिटी का चक्कर मारते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या हिसाब किताब है। वैसे सुंदर बहुत लग रही है यूनिवर्सिटी। तो यार, मैंने कैंपस का एक छोटा सा राउंड मारा है और आई थिंक मैं किसी इंपॉर्टेंट और मेन्स एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ पे पीछे मेरे है एजम्पशन कॉलेज, मतलब कोई डिलन हॉल नाम की जगह है। उधर मेरे पीछे है क्राइसलर हॉल, कोई ये भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग लग रही है। इधर यहाँ पे फार्मेसी है और इस रोड से अगर मैं सीधा जाऊँगा तो पीछे आती है पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो काफ़ी सारा सौदा अवेलेबल है यहाँ पे। और ज़्यादा पूछने के लिए बच्चे अभी इस वक्त यहाँ पे कैंपस पे तो है नहीं, क्योंकि अभी समर ब्रेक चल रही है। तो बच्चे अपने पार्ट टाइम जॉब या फिर फुल टाइम जॉब वगैरह में लगे हुए हैं, या फिर काफ़ी सारे बच्चे अपनी फैमिलीज़ वगैरह के पास चले जाते हैं। ठीक है, अब यार जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है बिल्कुल US और कनाडा के बॉर्डर के पास है। और यहाँ पे एक ब्रिज जा रही है जिसको यूज़ करके लोग कनाडा से US और US से कनाडा आते हैं। तो इस ब्रिज का एक बढ़िया सा व्यू देखने के लिए यहाँ पे पास में जाते हैं, जहाँ पे डेट्रॉइट रिवर फ्लो कर रही है। हाँ जी, तो यार अब हम पहुँच गए हैं US कनाडा के बॉर्डर पे। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के काफ़ी पास है और इस वक्त मैं हूँ स्कल्पचर गार्डन के अंदर, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के स्कल्पचर वगैरह बने हुए हैं। अभी आपको थोड़ी देर बाद वो दिखाते हैं। और पीछे जो मेरे है वो है डेट्रॉइट रिवर और उसके बाद है अपना अमरीका USA। और ये जो ब्रिज आपको दिख रही है इसको कहते हैं एम्बेसडर ब्रिज। तो ये आप लोगों को कैनेडा से US और सेम ब्रिज आपको US से कैनेडा लेके आएगी ऑफकोर्स। भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ लोग अपनी फिशिंग कर रहे हैं, मज़े मार रहे हैं। तो और मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि जब 7 बजेंगे तब क्या नज़ारा होगा, क्योंकि अंधेरे में पूरी डेट्रॉइट जो सिटी है उसकी लाइटें वाइटें जल जाएंगी, बहुत सुंदर लगेगा। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, अभी हम थोड़ा इन्जॉय करते हैं और कोई नई चीज़ दिखती है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। एक चीज़ यार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग ना कॉमेंट करते हैं गुरसाहिब OP आग बना देते हैं, मेरे को यार ये बताओ कि OP का मतलब क्या होता है। काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि यार OP का मतलब क्या होता है, मैं बहुत परेशान हूँ।
हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं सेंट क्लेयर कॉलेज। तो बेसिकली ये जो कॉलेज का कैंपस है ना, ये हाईवे नंबर 401 के पास है, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई कितना सुंदर होगा, कितना बड़ा होगा इसका कैंपस, वो एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी बड़ा कैंपस है और काफ़ी सुंदर कैंपस है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे एक घड़ी सी लगी हुई है, वो पीछे एक पार्क है, वहाँ पे चेरी ब्लॉसम वगैरह के पेड़ हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे फाउंटेन वगैरह चल रहे हैं और यहाँ पे पास में ही बस स्टॉप है और काफ़ी सारी बसेस वगैरह आ रही थी, तो काफ़ी सुंदर कैंपस है। एक बार ट्राई करते हैं अंदर जाने की, क्या अंदर जाना अलाउड है या नहीं है, डोर्स वगैरह खुले हैं या नहीं है। अगर खुला है तो अंदर आप लोगों को दिखाते हैं एक बार। मैं कैंपस वगैरह के अंदर तो आ गया हूँ, इससे आगे अंदर नहीं जा सकता। सिक्योरिटी वालों से बात की थी, वो कहते हैं यहाँ पे वीडियो वगैरह बनानी है तो बना लो, इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये कैंपस है जो मेन एरिया है, बाकी अगर आप यहाँ पे पढ़ने आते हो तो एक्सप्लोर खुद से कर सकते हो। अब अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं यहाँ पे आउटलेट मॉल में। तो बेसिकली यार यहाँ कनाडा में ना काफ़ी सारे शहरों के पास हाईवे पे एक आउटलेट मॉल होता है जहाँ पे काफ़ी सस्ता सौदा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे ब्रांड्स के फैक्ट्री स्टोर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाइकी का स्टोर है, एडिडास का स्टोर है, टॉमी शॉमी का स्टोर है और प्यूमा का भी स्टोर है। तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे छोटे भाई का कल बर्थडे है, तो उसके लिए गिफ्ट लेना है, क्योंकि विंडसर के पास ही सारनिया है, तो यहाँ विंडसर से सारा होने के बाद हम सारनिया जाएंगे, ठीक है। तो अभी उसका गिफ्ट लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो यार मिस्टर अमनदीप सिंह के लिए हमने गिफ्ट ले लिया है उसके बर्थडे के लिए, और उसको हम सरप्राइज़ देने वाले हैं। उसको नहीं पता कि हम सारनिया जाएंगे, तो वीडियो वगैरह आई डोंट थिंक मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता वीडियो में आने के लिए। तो गिफ्ट गुफ्ट ले लिया है, बाकी उन भाई साहब को सरप्राइज़ देंगे। हाँ जी, तो यार अब विंडसर के डाउनटाउन में आ गए हैं, पार्किंग ज़रा पे कर देते हैं। तो अपनी पार्किंग की टिकट निकल गई है, अब आपको क्या करना होगा, अबे गाड़ी खोलनी है और आपको ये टिकट डैशबोर्ड पे रख देनी है टू शो कि भाई आपने पार्किंग पे कर दी है, और गाड़ी को लॉक करना मत भूलना। चलो, आप हमेशा भूल जाते हो। यस, अब यार मैं आ गया हूँ विंडसर के डाउनटाउन के पास, और यहाँ डाउनटाउन के पास आके मैंने देखा कि यार यहाँ भी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये जो पीछे ग्रे कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर की कोई ना कोई बिल्डिंग है। अब यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है इसका तो मेरे को आइडिया है नहीं, लेकिन डाउनटाउन के पास भी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर की छोटी सी छाप है। बाकी उस साइड जो है वो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि सिटी हॉल वगैरह हो गया। तो बेसिकली हर शहर के सेंटर में, मतलब डाउनटाउन के आसपास एक सिटी हॉल होता है, वहाँ पे सारे सरकारी काम वगैरह होते हैं, ठीक है। और इस साइड जो है डेट्रॉइट रिवर बह रही है, उस साइड डेट्रॉइट सिटी है, बड़ी बड़ी जो डेट्रॉइट का डाउनटाउन है ना, बिल्डिंग्स वगैरह सुंदर सुंदर, वहाँ जाएंगे वो दिखाएंगे आपको। तो वो सब सौदा वहाँ पे है, वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब कुछ पेट पूजा करने चलते हैं प्रॉपर कोर डाउनटाउन के अंदर, और वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो यार हम डाउनटाउन में ना कुछ खाने पीने की जगह ढूंढ रहे थे बढ़िया सी, लेकिन मेरे को एक बहुत ही अलग सी चीज़ दिख गई कि ये नीचे आप देख सकते हो ना ये हालत। तो जब हम कनाडा नहीं आए थे तो लोग कहते थे भाई कनाडा में ना रोड में चकले दिख जाती हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा होता है, पता नहीं क्या हिसाब होता है, लेकिन आप पीछे देख सकते हो कि भाई ये हिसाब किताब होता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी ये होती है। हाँ जी, तो फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया है खाने पीने के लिए, पेट पूजा करने के लिए। इसका नाम है ट्री हाउस बार एंड ग्रिल। तो इसके गूगल पे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ वगैरह थे, तो इसके अंदर चलते हैं खाते पीते हैं। साथ के साथ यहाँ पे लाइव म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा है, तो माहौल अच्छा बना हुआ है। तो अंदर जाते हैं, खाते पीते हैं, और म्यूज़िक वगैरह चल रहा हुआ तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब बोल नहीं पाएंगे, बाकी आपको रिव्यूज़ दे देंगे कि भाई खाना पीना कैसा है। हाँ जी, तो यार अपनी पेट पूजा हो गई है, बढ़िया पेट भर गया, मज़ा आ गया, बहुत ही स्वाद खाना था। एक स्पेशल चीज़ इस रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि यार यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें $10 से नीचे थी, तो हमारा टोटल जो बिल आया था वो आया $29। तो हमने एक पिज्ज़ा लिया था, स्पिनच डिप ली थी, और साथ के साथ एक ड्रिंक भी ली थी, मतलब नॉर्मल वाली ड्रिंक मॉकटेल, ठीक है। तो $29 का खर्चा है उसमें, मतलब बेसिकली $22 का खर्चा था, उसमें से $7 हमने टिप ली थी। तो फुकराबाजी यहाँ भी चलती है, और अब हम चलते हैं डेट्रॉइट डाउनटाउन दिखाने आप लोगों को। तो यार हमारे साथ है कमल, जो कि गुजरात सूरत से हैं। तो मेरे को ये बताओ कि आप यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में पढ़ रहा हूँ। तो कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं सिविल इंजीनियरिंग में हूँ। अच्छा, तो कनाडा आए कब थे? मैं कनाडा आया था यहाँ पे December 15th को। ये वाला दिसंबर जो भी है, तो पार्ट टाइम जॉब मिल गई? हाँ, पार्ट टाइम जॉब तो मिल गई, बट समर में, अभी तो ओपनिंग शुरू हो चुकी है, बट मैं जब आया था विंटर में
तब यहाँ पे बहुत ही खराब सिचुएशन थी। बाकी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे यहाँ पे जो आपके साथ रहते होंगे या फिर क्लास में होंगे तो उनको पार्ट टाइम जॉब मिल गई है? हाँ, उन सभी को मिल गया, अभी मेरे रूममेट्स है, सब सबके पास जॉब है। तो बेसिकली यार जॉब वगैरह मिल जाती है, अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगी, अगर घर पे बैठे रहोगे तो मेरे को लगता नहीं मिलेगी, है ना? किसी को ऑनलाइन अप्लाई करना इनफ नहीं है, आपको बाहर जाके स्टोर वगैरह में रेज्यूमे वगैरह देने पड़ेंगे तभी मिलेगी। तो हमने भी यही किया था जब हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे, तो मेरे को ये बताओ चलो पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, मतलब 20 घंटे वगैरह मिल जाएंगे, 16 घंटे मिल जाएंगे, 18 घंटे मिल जाएंगे, उसके ऊपर दिक्कत आएगी कि आपको कैश पे करना है या फिर कुछ फालतू एक्स्ट्रा काम करना है। ठीक है, अब मेरे को बताओ अकोमोडेशन का क्या हिसाब किताब है? अकोमोडेशन का हिसाब यह है कि यूनिवर्सिटी के पास का जो इलाका है या हम समझ ले कैंपल है, स्टेज है, वो सब एवेन्यू में अभी बहुत रेट ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि स्टूडेंट का इनफ्लो अभी ज़्यादा है इसमें। अब पहले जो 300 में आपको जो फैसिलिटी मिलती थी वो भी उसका ही हिसाब लग रहा, तो उसका 400 हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा हो गया, डिपेंड्स ऑन। ओके, अगर मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ रूम तो मेरा कितना रेंट? अगर आप शेयरिंग में रूम लेते हो तो पर पर्सन 300 होगा। ओके, और अगर प्राइवेट लेते हैं तो, मतलब मेरे को अकेले रहना कि जितना चक्कर नहीं चाहिए तो 400 से लेके 600 तक है, बट अच्छा डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन आल्सो व्हिच काइंड ऑफ फैसिलिटी यू वांट। बाकी यार एक डिनर वगैरह करने जा रहे थे तो इनका टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, मेरे को बस एक चीज़ बताओ कि वो जो सेंट क्लेयर कॉलेज है, सेंट क्लेयर उसका जो मेन कैंपस है वो यार बड़े आइसोलेटेड सी जगह पे था, वहाँ पे कुछ नहीं था, तो वहाँ पे स्टूडेंट का जॉब का या अकोमोडेशन का क्या हिसाब रहता है? जॉब तो वहाँ उस इलाके में तो मैं नहीं कह सकता कि कहाँ पे भी होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही वो ऐसे भी वो रिच इलाका है, तो अच्छा। सारे स्टूडेंट्स हो तो भी कोई स्टूडेंट्स बेसमेंट में भी रह लेते हैं। और पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम एक आउटलेट मॉल ही देखा था मैंने, वापस नहीं है वहाँ भी जॉब नहीं मिलेगी। वहाँ पे है कि वो उस लोकेशन से थोड़े 2 या 3 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक आउटलेट है इसलिए बस दूसरा कुछ। तो ये हिसाब किताब है, तो इन भाई साहब ने हमें बताया। आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरी कमल वगैरह है, मेरा नाम कमल वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ नीचे मैं एडिटिंग में डाल दूंगा, तो इन भाई साहब को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई फॉलो करेगा? अरे कोई प्रॉब्लम, क्या दिक्कत होगी। तो इनको फॉलो कर लेना, विंटर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता देंगे। ठीक है। हाँ जी, तो यार इस वक्त मैं खड़ा हूँ US और कनाडा के बॉर्डर पे, तो बेसिकली इस वक्त मैं हूँ विंडसर सिटी के अंदर कनाडा में, और वो जो पानी आप लोगों को फ्लो करता हुआ दिख रहा है वो है डेट्रॉइट रिवर, और उसके बाद जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह वो है डेट्रॉइट सिटी। वो जो आप बिल्डिंग देख सकते हो जिसपे ब्लू कलर की लाइट जल रही है वो है जनरल मोटर्स का ऑफिस। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसका शो ऑफ क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, इस पे मेरा माइक लगा हुआ है। और साथ के साथ एक चीज़ आप नोट करना, मेरी जो YouTube चैनल की प्रोफाइल पिक्चर है ना वो भी मैंने यहीं पे क्लिक कराई थी, यहाँ पे मैंने अपनी पहली YouTube वीडियो शूट की थी, तो समझ सकते हो आप लोग इमोशंस को। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।